बनाने आ गया। इधर आज की वीडियो के अंदर हम घूमने जाने वाले हैं एक जू के अंदर, और आमेर फोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, kick at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, kick at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, kick at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... फाइनली 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट। है अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने दोस्तों से। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग खड़े हैं। ये मेरा दोस्त है नितिन, ये मेरा दोस्त है महफूज जिसका बर्थडे है, ये पार्टी देगा हमको यहाँ पर। अब मिलवाते हैं हम इसको। ये मेरा दोस्त जिसका नाम है हिमांशु, नाम है, और इसका नाम है विवेक। विवेक आ रहा भाई विवेक। ये है विक्रम, ये विक्रम। तो गाइस फाइनली हम आमेर फोर्ट आ चुके हैं, एंड यहाँ पे काफी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। चलिए मैं बैक वाला कैमरा कर देता हूँ, अभी आप देखते हैं कितना सुंदर नजारा आपको देखने को मिलता है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी हम अंदर जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है। एंड विक्रम यहाँ पे भी एक नया रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं गुप्त रास्ते में, चलिए आपको लेके चलते हैं। ये रास्ता कहाँ पे जाता है, कहाँ पे लेके जाता है आपको? आवाज मेरी थोड़ी गूंज के आ रही होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुप्त रास्ता है, और ये मेरा दोस्त है विक्रम। चलिए चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं, एंड एक एक करके मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जल महल, शीश महल, जो भी जितना भी कुछ है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और ये मेरा फ्रेंड है नीतीश कुमार। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं शीश महल, आमेर फोर्ट के अंदर है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या मोन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर कैसे क्या है, सब कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे अभी के अभी। सबसे पहले देख सकते हैं साइड में आपको क्या आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, पता नहीं कैसे बनाया होगा ये। अभी आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा क्या है। अभी आप देख सकते हैं जो टोटल जितनी भी आपको चीजें देखने को मिलती है सारी अप्रोक्स शीशे से बनी हुई, यानी ग्लास से। इसका नाम है लिटिल शीश महल, जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया। कुछ भी नहीं, आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप कैसा आर्किटेक्चर है। दोस्तों बिलीव मी कि ये जो आर्किटेक्चर है जितना भी है ये सब कुछ ये बहुत ज्यादा पुराना है, ओल्ड है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिरर है। सबसे स्पेशल चीज जो इस शीश महल की मुझे लगी, लिटिल शीश महल, यार यहाँ का जो आर्किटेक्चर, ये बनावट जो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा औसम है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ और अच्छे से ऊपर की जो आर्किटेक्चर है, बनावट है, वो देख सकते हैं कैसी है। एकदम शीश महल टाइप का जो आपको देखने को मिलता है, और नजारा कुछ आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपने देख लिया, चलिए आपको कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। यहाँ पे तीन चार रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, और हम थोड़ा सा अंदर चले तो एक रास्ता यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक रास्ता साइड में से जा रहा है। ऊपर जाना है क्या बंदो? चलिए हम थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं कि पर्व को क्या देखने को मिलता है। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे दोस्तों, सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें जयपुर वाला नाम से। तो जैसा कि आप देख सकते जयपुर वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे और सीढ़ियां जा रही है। नाउ लेट्स मूव।
यहाँ से कूद के इसको उतर तो इसको देख लेते अपने गांव। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी विवेक के पीछे आओ। की तलाश में हम मौत के कितने पास आ रहे हैं। गॉड हम बच गए यार, भगवान का लाख लाख शुक्र। पता है क्यों यार? बहुत बड़ा गेम होते होते बच गया। जो मैंने बैग टांगा था ना, एक्चुअली वो मैंने कहीं पे मिस कर दिया, मुझसे कहीं पे गुम गया वो, और वो मेरे दोस्त का बैग था। उसके अंदर आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और थोड़े बहुत पैसे, सब चीज़ें रखी हुई थी, मास्क वगैरह सब चीज़ रखी हुई थी। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट हमको यार, मतलब हमारी किस्मत शायद अच्छी थी, इस वजह से जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे थे उन्होंने वो बैग ले लिया था और उनसे हमको वो बैग मिल गया। थैंक गॉड फाइनली हमको बैग मिल चुका है यार। अभी हम लोग थक चुके हैं, मेरे दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे ऊपर खड़ा हूँ। आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। फाइनली मैं जू के अंदर आ चुका हूँ, आमेर फोर्ट उस साइड रह गया कुछ किलोमीटर दूर। अब हम जू में आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के जो एनिमल्स, जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ पे हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि लायन, टाइगर, बियर एक्सेट्रा, जो भी है यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपको एनिमल्स दिखाते हैं यहाँ के जू के। सबसे पहले आपको लोमड़ी दिखाना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ फोटो दे रखी है, अब वैसी लोमड़ी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं दूर वहाँ पे कोने में आपको दिख रही होगी एक लोमड़ी जो बैठी है चुपचाप। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है जेकाल, मतलब एक लोमड़ी का ही रूप है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से, जितना एंगल अच्छे से मिल सकता है उतना दिखाता हूँ। वहाँ पे वो बैठी हुई है जेकाल, जिसका नाम दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ खास नहीं है। जेकाल यानी सियार, अब आपको मैं दिखाता हूँ एकदम अच्छे से। वो घूम रहा है उसकी बना, अबे यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, खुले में घूम रहा है। बुरा बुरा बुरा, एक मिनट रुको यार, मस्त छाया कर। जैसे क्या देखते हैं वो जेकाल खुले में घूम रहा है, जो कि थोड़ा डॉग जैसा लग रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नाम दे रखा है हाइना। चलिए देखते हैं कैसा होता है भाई हाइना, आपको दिखाते हैं हम जितना पॉसिबल उतना आपको अच्छा मूवमेंट में दिखाता हूँ यहाँ से। उसके अंदर मास्क पड़ा भाई, हाइना अभी ऑफलाइन है, थोड़ी देर बाद ऑनलाइन आएगा जब आपको मैं दिखा दूंगा। टाइगर 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 टाइगर, वेर इज टाइगर? पैसे लूट ले भाई, कहीं नहीं, पागल हो रहा है। टाइगर इज ऑफलाइन नाउ, लॉकडाउन में टाइगर कहाँ है? दिख तो सही, उसका बिल भी बंद है, फिर कहाँ चला गया? किस साइड घूमने गया है? गर्मी में कहीं जगह ले ली। तो एक्चुअली हम टाइगर देखने आए हुए थे यहाँ पर, और हमको यहाँ पर टाइगर दिख नहीं रहा। एक्चुअली टाइगर जो है वो ऑफलाइन हो चुका है, और मेरा जो दोस्त है वो कह रहा है, ये व्हाइट लाइट वाला जिसका बर्थडे है, कि आज तो देख के ही जाऊंगा टाइगर, ये नहीं मानेगा। चलिए हम वेट करते हैं टाइगर कब हमको दिखता है। कहाँ पर है? अरे हाँ, अरे वोरा 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 वोरा, शूट हिम शूट हिम। हमें
मेरे को यार। अबे दो तंदर बैठे हैं ना, देखना इसमें देखो। एक और आ गया, सुनो वो आ गया, सुनो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अरे यार पैसे वसूल करवा दिए यार इसने। अरे बहुत बढ़िया ब्रो, पैसे वसूल हो गया यार। मोबाइल खाते यार, चलिए दोस्तों आपको व्हाइट टाइगर दिखाते हैं, वीडियो में बने रहे। लेट्स गो। नितिन बोतल बल्लाइयो, एक बार तो दहाड़ा भी था वो बैठा यार, सही बात है। ओ भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। नहीं यार मुझे तो नहीं दिखा, हो रहा भाई एवरेज साइज से बड़ा है वो। आई होप आपको दिख रखा होगा वो, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे मैं उंगली कर रहा हूँ, वो व्हाइट टाइगर है यार। एंड आपको पता है व्हाइट टाइगर की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। डोंट लाफ, बिग कैट की प्रजाति है, बिग कैट है, बिग कैट की प्रजाति है, सारी प्रजाति एक ही होती है, कैट्स की प्रजाति होती है। चुपचाप ये देख, सुनो ये चेहरा देख रहा तू भाई, मैं इसको कैप्चर करूंगा। देख इसे देख, जिंदा दरिंदा है वो भाई, खूकार दरिंदा बारा सिंगा ब्रो। ऑडियंस जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके लिए बुरा लगा ये बारा सिंगा, जो कि एज लाइक लकड़ी जैसा लग रहा है। बारा सिंगा और मगरमच्छ दोनों लकड़ी जैसे लगते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं एकदम। दोस्तों अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था बेसब्री से। मुझे देखना है बड़े साइज का भालू, मतलब बड़े वाला भालू एंड जंगल का राजा लायन। चलिए आपको दिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बच्चे ओ, 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 ओ। जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। बस भाई तेरा फोन मर जाएगा अभी, शेयर की रख ले, मैं बोल रहा हूँ तेरे को भाई साहब। ये जीत गया। ओ भाई उठा के Focus, my little mercy, sweat ass. Gummers in a Zerina. Dream with the same buddy, ain't none. Ring up, neck and up. Letters on his fingers, pick up trouble.